सर्दी जुखाम बुखार होना क्या प्रेगनेंसी का सिम्टम है? सर्दी जुखाम बुखार है, सर दर्द है, आपको फीवरिश महसूस हो रहा है, या फिर आपको पैरों में दर्द है, आपको वायरल जैसा लग रहा है, तो क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है या बस यूं ही सीजनल है? आप इसे सीजनल समझ के मेडिसिन खा रहे हैं, गर्म चीज़ें ले रहे हैं, काढ़ा बना बना के पी रहे हैं, क्या कहीं ये किसी और लक्षण की निशानी तो नहीं है? सर्दी जुकाम बुखार आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने का तो संकेत नहीं है। आज के वीडियो में इसी खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, वायरल जैसा फील हो रहा है, मैं सर में दर्द है, पैरों में दर्द है, क्या हमें वायरल फीवर है या फिर हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है, क्या मैम प्रेगनेंट होने पर सर्दी जुकाम होता है, वायरल होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव होने पर सर्दी जुकाम बुखार जैसा कुछ होता है या नहीं। अगर होता है और इस दौरान आप काढ़ा बना बना के पी रहे हैं, गर्म चीज़ें ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या ये आपको करना चाहिए? कैसे आप समझेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है इसलिए ये हो रहा है? तो चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। देखिए, सर्दी जुकाम बुखार वैसे तो जैसे एक सीज़न से दूसरे सीज़न में हम पहुँचते हैं, अभी तक सर्दियाँ थीं, अब सर्दियों से हम गर्मियों में पहुँच रहे हैं, तो बीच का जो ये फेज़ है ये वायरल का टाइम होता है। इस दौरान बहुत घरों में सर्दी जुकाम बुखार, बीमार होना, बीमारी फैलना बहुत कॉमन है। जब जब हम एक फेज़ से एक सीज़न से दूसरे सीज़न में पहुंचते हैं, तो बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये बीमारी का टाइम होता है। लेकिन सर्दी जुकाम बुखार क्या प्रेगनेंसी में भी हो सकता है? तो ऑफ़ कोर्स यस, सर्दी जुकाम बुखार प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि वैसे आप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, आपकी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी हो, आप 6 महीने में अगर एक बार भी अगर आपको वायरल होता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो सर्दी जुकाम बुखार आपको हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने पे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, ड्यूरेशन में अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, तो इसका इफ़ेक्ट आपको भी पड़ेगा। पहले चाहे कभी ना पड़ता हो आपको, लेकिन अगर आप प्रेगनेंट हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये वायरल आपको भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद की सारे सिम्टम्स तो आने शुरू ही होते हैं, साथ में शरीर में दर्द, वीकनेस, थकान, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसी तरह से सर्दी जुखाम, ये कोल्ड, ये सब भी होता है, नॉर्मल है। सर में तेज़ दर्द होना, पैरों में दर्द होना, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि और तो सिम्टम नहीं दिख रहे, सिर्फ इसको समझ के कैसे समझ ले कि प्रेग्नेंट हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा इंडिकेशन है। इस सिम्टम को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग कॉमेंट करके कहते हैं कि हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई दिया, बस थोड़ा सा फीवर आया था, थोड़े से सर में दर्द हुआ था, पैरों में दर्द हुआ था, वायरल फीवर हुआ था बस, और हमारे पीरियड्स मिस हो गए। तो इसलिए बड़े बड़े सिम्टम जिनका जो अभी तक मैंने बताए हैं वो नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। किसी को कोई सिम्टम दिखता है, किसी को कोई सिम्टम दिखता है, किसी को सिर्फ 2-4 ही लक्षण दिखते हैं, और किसी को पूरे हेड टू टो 10 से 12 प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे लक्षण दिखाई दे। जो भी लक्षण आपके पीरियड से पहले आपको संकेत दे रहा है, आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये बिल्कुल अलग है पहले से, जो अभी तक नहीं होता था वो इस बार हो रहा है, तो समय सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो। फिर उसके बाद पीरियड डेट मिस होने तक सारे प्रिकॉशंस रखें प्रेगनेंसी वाले, और पीरियड डेट मिस होने तक वेट करें। तो अगर आपको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आप कंफ्यूज हैं, आप उसे नॉर्मली समझ रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं और आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए और थोड़ा सा भी वेट करके देख लें। हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो और ये आपके प्रेगनेंसी का लक्षण। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर, जब भी पीरियड डेट आपकी आने वाली हो, तो इन छोटी छोटी बातें जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, ये जो छोटे छोटे लक्षण मैं आपको प्रेगनेंसी के बताते रहती हूँ, इनको गौर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये यूं ही नहीं आते हैं। आपकी बॉडी कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दे रही होती है, जिसे लोग समझ नहीं पाते कई बार, इसी वजह से उनके मिसकैरेज हो जाते हैं। तो इन्हें ज़रूर समझिए और फिर उस हिसाब से प्रेगनेंसी प्रिकॉशन जो ज़रूरी हैं उन्हें ज़रूर रखिए, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहेगी। और डेट मिस होने के 5 से 6 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, इससे रिजल्ट सही आते हो। कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।